नमस्कार प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ ना मेरे भाई, तब से मेरे को एक फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा कि भाई यार कोई मस्त माइलेज वाली गाड़ी बता दे जिसका कॉस्ट जो होता है ना बहुत कम हो, जो अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाए, चीपेस्ट प्राइस में मिल जाए और जिसकी सर्विसिंग कॉस्ट वगैरह कम हो। तो यार बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अच्छी माइलेज वाली गाड़ी चाहिए मुझे, चाहे फिर वो पेट्रोल हो या सीएनजी हो। तो मैं ना आप लोगों को देखकर, मिडिल क्लास फैमिलीज को देखकर, उनको क्या नीड चाहिए और कैसी गाड़ी चाहिए ना, आज के इस वीडियो में मैंने 5 ऐसी कारें लाया है जो कि पूरे के पूरे भयानक माइलेज देती है और ये हैचबैक कैटेगरी की रहने वाली है। क्योंकि है तो बहुत सारी गाड़ियां जो कि माइलेजेबल कार है, बहुत ज्यादा माइलेज देती है, वोल्वो भी हो जाती है, वोल्वो XC90 हो गई, तो वो सब तो सबको अफोर्ड नहीं ना कर सकते मेरे भाई। इस कारण से हम मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए टॉप 5 माइलेज वाली गाड़ी आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को ना लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टॉप 5 कार्स, माइलेजेबल कार्स में क्या चीज कंसीडर करना चाहिए, अच्छी माइलेज देने वाली हो जाए, उसका जो मार्केट वैल्यू है ना वो अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि यार देखो कोई 25 या 26 की माइलेज दे रही है लेकिन उसका जो सर्विसिंग कॉस्ट है या रिलायबिलिटी है बहुत ज्यादा कम है, तो वो सब मैंने अपने लिस्ट पे रखा ही नहीं है। जो आप भी जानते हो, मैं भी जानते हो और लोग भी जानते हैं, वैसी हैचबैक कार्स को मैंने रखा है। और 5th पोजिशन पे ना टाटा की टियागो आ जाती है। ये एक बेहतरीन हैचबैक गाड़ी है। इसकी अगर मैं ऑटोमेटिक सीएनजी में माइलेज अगर बात करूँ ना, तो 28 किलोमीटर पर केजी की माइलेज है, मतलब 28 किलोमीटर चल सकती है एक केजी सीएनजी में। और वही मैनुअल में ना, सीएनजी में आपको 26 किलोमीटर पर केजी देखने को मिल जाती है। पेट्रोल में अगर आप इस गाड़ी को लेते हो तो आपको 19-23 KMPL पर लीटर में माइलेज ही आपको शो कर देगी। 1.2 लीटर का इंजन आ जाता है, रेवट्रॉन सीरीज का जो इंजन रहता है इस गाड़ी में, 3 सिलेंडर, जो सीएनजी में 72 BHP और 82 Nm का टॉर्क को प्रोड्यूस कर सकती है। पेट्रोल में 95 BHP और 113 Nm के टॉर्क को प्रोड्यूस कर सकती है। बात कर लेते हैं इस गाड़ी की मैं प्राइसिंग रेंज की ना, तो 5 लाख से स्टार्ट होती है और टॉप मॉडल की कीमत 8.75 लाख रुपीज एक शोरूम में। मैं पहले एक चीज बता देता हूं, ये जो आप एक शोरूम प्राइस देख रहे हो ना, ये डिफर कर सकता है आपके सिटी, आपके जो भी स्टेट वगैरह उसके वाइज में। और 4th पोजीशन पे ह्युंडई की ग्रैंड i10 नियोस। i20 को मैंने नहीं रखा है, ना बलिनो को मैंने रखा है, मैंने रखा है एक अफोर्डेबल चीपेस्ट जिसका सर्विसिंग कॉस्ट कम आए, फ्यूल कॉस्ट कम आए और बहुत ही इजी टू हैंडल, मेंटेनेंस बहुत लो रहना चाहिए और एक अफोर्डेबल प्राइस में देखने को मिल जाता है। तो ह्युंडई की जो ग्रैंड i10 नियोस है ना, ये गाड़ी भी आपके लिए बहुत अच्छी है जो लोग टाटा वगैरह में नहीं जाना चाहेंगे। इवन टाटा की सेफ्टी भी बहुत अच्छी है, टियागो जो मैंने बताया 4-स्टार रेटेड NCA कैप की रेटिंग मिल जाती है। ग्रैंड i10 जो नियोस है ना यार, ये मैनुअल में 18-20 KMPL पर लीटर आपको माइलेज दे देगी और ऑटोमेटिक में अगर आप जाते हो ना तो 16-18 KMPL माइलेज दे देगी आपको। ये पेट्रोल में अवेलेबल हो जाती है, इसमें भी आपको 1.2 लीटर का कापा सीरीज का इंजन देखने को मिल जाता है। वहीं बात कर लेते हैं इसके सीएनजी वेरिएंट की ना, ये आपको लगभग 27 किलोमीटर पर केजी की माइलेज दे देती है जो कि बहुत ज्यादा है। इंजन वही आपको 1.2 लीटर का कापा सीरीज का इंजन देखने को मिल जाएगा। पावर प्रोड्यूसिंग ना 82 BHP और 114 Nm ऑफ टॉर्क है। सीएनजी की पावर प्रोड्यूसिंग की बात करता हूं ना, तो 68 BHP और 95 Nm का इस गाड़ी में आपको टॉर्क देखने को मिल जाता है। सेफ्टी वाइज भी अच्छी खासी और फीचर वाइज भी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। प्राइसिंग रेंज ना इस गाड़ी की 5.92 लाख रुपीज से स्टार्ट होके 8.36 लाख रुपीज तक एक शोरूम जाती है। वहीं हमारे 3rd पोजीशन में मारुति सुजुकी, नाम तो काफी है, माइलेज भी बहुत ज्यादा है, वैगन आर। मारुति सुजुकी जो वैगन आर है ना मेरे भाई, ये आपको 1 लीटर इंजन में 24-26 KMPL माइलेज दे देती है, सिर्फ 1 लीटर पेट्रोल इंजन में, मैनुअल में। और ऑटोमेटिक इस गाड़ी में आपको 25 KMPL मिल जाता है माइलेज। सीएनजी अगर मैं बात कर लेता हूं ना, तो 33-34 किलोमीटर पर केजी, मतलब 32-34 किलोमीटर चल जाएगी सिर्फ 1 KG सीएनजी में।
मैसिव है, 1 लीटर का इंजन। इसमें भी अगर मैं पावर प्रोड्यूसिंग की बात करूं ना, तो आपको 66 bhp और 89 न्यूटन मीटर्स के टॉर्क देखने को मिल जाते हैं पेट्रोल वाले इंजन में, और 55 bhp और 81 एनम ऑफ टॉर्क इसके सीएनजी वेरिएंट में पावर प्रोड्यूसिंग देखने को मिल जाते हैं। प्राइसिंग रेंज बहुत ज्यादा कम, लो मेंटेनेंस, कीमत स्टार्ट होती है 5.54 लाख रुपीज से 7.33 लाख रुपीज एक्स शोरूम। अब हमारे दूसरे नंबर पे कौन सी गाड़ी है, तो दूसरे नंबर पे भी मारुति सुजुकी की एवरग्रीन गाड़ी 2005 से जो लॉन्च हुई है अभी तक तहलका मचा कर रख दिया, किंग ऑफ द हैचबैक है स्विफ्ट। स्विफ्ट बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत अच्छी गाड़ी मानी भी जाती है, लोग इसको लेना नहीं मतलब ढूंढ के लेना पसंद करते हैं। 1.2 लीटर का इंजन इस गाड़ी में देखने को मिलता है, अब 3 सिलेंडर हो गया, पहले 4 सिलेंडर मिलती थी। खैर परफॉर्मेंस हल्का सा कम हुआ है पर माइलेज उससे ज्यादा आपको मिल जाता है। इस गाड़ी में आपको लगभग मैनुअल में 24 से लेके 25-26 kmpl की एवरेज देखने को मिल जाती है, और ऑटोमेटिक में 25 आराम से मिल जाती है, 24-25 आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में देखने को मिल जाती है। गाड़ी सिर्फ पेट्रोल और सीएनजी में आती है, अब सीएनजी का भी आप माइलेज सुन लो, 34 से लेके 36 किलोमीटर पर केजी मिल जाता है इस गाड़ी में। यार मतलब बाइक वाइक के टक्कर में आ रही है, बुलेट वगैरह के टक्कर में। 1.2 लीटर का इंजन के सीरीज का, और इसकी जो पावर प्रोड्यूसिंग है ना वो लगभग आपको 80 bhp और 112 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क देखने को मिल जाता है पेट्रोल में, और सीएनजी में 72 bhp 102 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क देखने को मिल जाता है। प्राइसिंग रेंज इस गाड़ी की 6.49 लाख रुपीस से 9.96 लाख रुपीस तक चली जाती है, और बहुत ही भयानक यार, सबसे रिलायबल कार, सबसे लो मेंटेनेंस, फ्यूल कॉस्ट कम, एवरेज ईयरली अगर आप कैलकुलेट करते हो तो बहुत सस्ती और जेब में बहुत कम पड़ता है दबाव इस गाड़ी का। फर्स्ट पोजीशन में नन अदर देन मारुति सुजुकी ऑल्टो, लॉर्ड ऑल्टो जिसे आप कहते हो, एस्प्रेसो भी आ जाती है, पर एस्प्रेसो को मैंने नहीं कंसिडर किया है एज यूजुअल, इस कारण से सेफ्टी वगैरह तो छोड़ो यार, बहुत छोटी गाड़ी है। K10 जो ऑल्टो K10 आ रही है वो 1 लीटर इंजन में आ रही है, लगभग उसकी ना मैनुअल में आपको 24-26 kmpl पर लीटर की माइलेज देखने को मिल जा रही है। पेट्रोल में गाड़ी आती है, सीएनजी में भी गाड़ी आ जाती है, ऑटोमेटिक में आपको लगभग 25-26 आराम से देगी, सेम है, सिमिलर माइलेज देखने को मिल जाता है। 1 लीटर का इंजन लगभग इस गाड़ी में 66 bhp ऑफ पावर प्रोड्यूस कर देती है, और 89 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क को प्रोड्यूस कर देती है। वहीं सीएनजी में इस गाड़ी की प्रोड्यूसिंग पावर 55 bhp और 81 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क है। सीएनजी में इस गाड़ी की आप एक बार एवरेज सुन लो, 34 से लेके 35-37 तक चली जाती है, चलाने पे डिपेंड करता है किलोमीटर केजी, मतलब यार 34 से 37 किलोमीटर तक चल सकती है 1 kg ऑफ सीएनजी में, मतलब मैसिव है। गाड़ी की प्राइसिंग रेंज ना सबसे सस्ती एंट्री लेवल में आ जाती है, बेस्ट फैमिली कार भी मानी जाती है बहुत ज़्यादा, 3,99,000 रुपीस इस गाड़ी की एक्स शोरूम प्राइस है स्टार्ट होती है, और 5.96 लाख रुपीस इस गाड़ी की एक्स शोरूम प्राइस टॉप एंड वेरिएंट VXI प्लस में। बहुत सारे फीचर्स अब देने लग गई है ना, मारुति सुजुकी वगैरह हो गई, हुंडई वगैरह, बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो ऑल्टो K10 में भी आपको टच स्क्रीन, एंड्रॉयड स्टूडियो वगैरह, हर कुछ, एप्पल कारप्ले वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये 5 गाड़ियां ना आपके लिए परफेक्ट मैच है, परफेक्ट माइलेज दे देगी। सीएनजी में अगर आप लेना पसंद करते हो, दिल्ली एनसीआर जैसे इलाकों में अगर आप रहते हो ना, तो सीएनजी वेरिएंट ले लो यार, एकदम फ्री ऑफ माइंड रहोगे, मतलब गाड़ी ना खर्चा मांगेगी ना कुछ, ये जो गाड़ियां है ना ये खर्चा नहीं मांगेगी। हाँ थोड़ी मोड़ी टाटा की टियागो आपसे थोड़ा सर्विसिंग कॉस्ट वगैरह ज्यादा हो सकता है, बाकी जितनी गाड़ियां हैं यार नो डाउट बहुत बेहतरीन है, आंख मूंद कर आप इसे ले सकते हो। वीडियो कुछ ऐसा ही था, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर से जरूर करें, हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में टॉप 5 SUVs जो भयानक माइलेज देती है और अफोर्डेबल प्राइस में आती है वो आपके लिए मैं लाने वाला हूं।